हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण शर्मा। स्वागत करता हूं माय डिजिटल मूवी एंड अदर एंटरटेनमेंट चैनल में। दोस्तों, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप अपने घर में कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूं। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हम मंदिर जाते हैं ताकि भगवान के हम दर्शन कर सकें, पर इस समय हम भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, दुखी ना हो, मैं मंदिरों के दर्शन आपको हमारी इस वीडियो में ही करवा दूंगा। तो दोस्तों, आज हम ऐसे हिंदू धर्म के मंदिरों के दर्शन करेंगे जो पूरी दक्षिण एशिया में हैं, जो विश्व में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक हैं। यह सभी मंदिर भारत के बाहर स्थित हैं। नंबर एक, अंगकोर वाट मंदिर। यह मंदिर कंबोडिया देश में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सीम रीप नामक शहर में किया गया है। इस मंदिर का निर्माण खमेर साम्राज्य द्वारा किया गया था। इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर तक है। यह विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। इसकी स्थापत्य शैली अंगूर वाट शैली है। नंबर दो, बालिनी मंदिर। बालिनी मंदिर बाली द्वीप पर स्थित है, जो समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ एक द्वीप है। यह इंडोनेशिया देश के अंतर्गत आने वाला मंदिर है। बालिनी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इंडोनेशिया का राष्ट्रीय मंदिर है। इसे राष्ट्रीय धरोहर होने का गौरव प्राप्त है। नंबर तीन, श्री मुरुगन स्वामी भगवान मंदिर। श्री मुरुगन भगवान मंदिर चूना पत्थर की पहाड़ों पर स्थित मंदिर है। यह मंदिर मलेशिया की राष्ट्रीय धरोहर है। मलेशिया में स्थित मंदिर बाटू गुफाओं में बनाया गया मंदिर है। यह मंदिर भगवान मुरुगन स्वामी यानी कार्तिकेय भगवान को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना के थंबू स्वामी पिल्लई ने सन 1890 में की थी। इस मंदिर में भगवान मुरुगन स्वामी की लगी हुई मूर्ति की लंबाई 140 फीट है। श्री मरियम्मन देवी मंदिर। श्री मरियम्मन देवी मंदिर माता उमा देवी जी को समर्पित है। यह मंदिर थाईलैंड देश के बैंकॉक शहर में स्थित मंदिर है। यह मंदिर एक नदी के किनारे बनाया गया है। इस मंदिर पर लाखों संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर का निर्माण पैती पैटियातिची ने सन 1890 में कराया था। नंबर पांच, माता काली मंदिर। माता काली को समर्पित यह मंदिर म्यांमार की यांगून शहर में स्थित मंदिरों में से एक मुख्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण तमिल प्रवासियों ने सन 1871 में कराया था, जब यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। अब है नंबर छः पर, समस्ती मंदिर। समस्ती मंदिर भूटान में स्थित मंदिरों में से एक मुख्य मंदिर है। यह समस्ती जिले में स्थित मंदिर है। यह भगवान शंकर को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण वहां के रहने वाले हिंदुओं तथा हिंदू प्रवासियों ने कराया था। नंबर सात, डाकेश्वरी देवी मंदिर। डाकेश्वरी देवी मंदिर माता भवानी को समर्पित मंदिर है। इन्हें डाका की देवी कहा जाता है। यह मंदिर
बांग्लादेश में स्थित मंदिरों में से एक मुख्य मंदिर है। यह 52 शक्तिपीठों में से एक मुख्य शक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ माता सती का गहना गिर आभूषण गिरा था। इस मंदिर का निर्माण राजा बाला सेन ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर की स्थापत्य शैली शिवसेना शैली है। नंबर 8, श्री प्रम्बन मंदिर। श्री प्रम्बन मंदिर बोकोहारू सिटी के अंतर्गत आता है, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए जाना जाता है, जो जावा के अंतर्गत है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 9वीं शताब्दी में लगभग 850 वर्ष ईसा पूर्व संजय राजवंश द्वारा जावा में कराया गया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का एक प्रमुख हिस्सा है। नंबर 9, माता हिंगलाज देवी मंदिर। वैसे तो पाकिस्तान में कई सारे मंदिर हैं, पर यह मंदिर माता भवानी को समर्पित मंदिर है, जो हिंगोला नेशनल पार्क के अंतर्गत घाटियों में पड़ता है। यह मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य के अंतर्गत आने वाला एक मुख्य मंदिर है। माता भवानी का यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक मुख्य शक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ माता सती का अंग गिरा था। इस अंग के कारण यह शक्तिपीठ बना। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंदिर है। नंबर 10, भारतीय मंदिर। भारतीय मंदिर खाड़ी देशों के एक मुख्य देश ईरान में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण हिंदू शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी में ही किया था। तो दोस्तों, आज मंदिरों के दर्शन कैसे लगे कमेंट कर लिख कर बताइएगा जरूर, और अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं तरुण शर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।